सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के देसी नुस्खे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल, आप देख रहे हैं आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा फेसियल फेसियल पैक कैसे आप बनाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल है। तीन ग्रोसरी आइटम चाहिए। पहला आपको चाहिए लिप्टम ग्रीन टी बैग्स। ग्रीन टी बैग को आप कर लीजिए पहले सबसे पहले ऐसे कट करके, यानी एक ग्रीन टी बैग्स में जितना होता है ड्यूटी, वो सारे टी को जो है आप निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मेथड जो आपको ये करना है, इस तरह से आप निकाल लीजिए। दूसरा चाहिए आपको एलोवेरा जेल, और तीसरा चाहिए आपके अगर मुल्तानी मिट्टी है तो मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हो, अदरवाइज व्हाइट क्ले। व्हाइट क्ले हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, यह है व्हाइट क्ले। इन दोनों का जो है, ग्रीन टी और ये व्हाइट क्ले, दोनों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से परचेस कर। अगर आपके फेस पे एक्ने है, पिंपल्स है और रेसेस है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, इसमें आप क्या ऐड करना है, इसमें आपको नीम पाउडर ऐड कर लेना है। अगर आपका स्किन जो है ड्राई है तो आप इसमें एक्स्ट्रा दही भी ऐड कर सकते हैं, लगभग 1-2 चम्मच दही ऐड कर लें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, अगर पिंपल्स है तो फिर नीम आप ऐड कर लें। बाकी तीन चीज़ें ये जो मैं आपको बता रही हूँ कंपल्सरी ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी लेने के बाद जो आपको यहाँ पे ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको कितना ऐड करना है, लगभग 1 चम्मच आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो आप इसमें ऐड करना है वो ऐड करना है आपको व्हाइट क्ले, लगभग 1 चम्मच इसमें व्हाइट क्ले ऐड करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे व्हाइट क्ले ले रहा हूँ 1 चम्मच। अब इस तीनों को जो है हम अच्छे तरह से मिक्स करके बिल्कुल एक पेस्ट तैयार करना है, कुछ इस तरह से आपको तैयार करा के मैं दिखाता हूँ किस तरह का आपका पेस्ट है। इसमें आपको थोड़ा सा इस पेस्ट को जो है गीला करने के लिए आप इसमें जो है थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें आप टैप वाटर भी ऐड कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा इस पेस्ट को जो है बिल्कुल फेसियल पैक की तरह तैयार करना है। थोड़ा सा इसमें टैप वाटर और ऐड कर लिया, यानी कि नॉर्मल वाटर को हम बोलते हैं टैप वाटर। आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारा जो ये फेसियल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हमें किस तरह से अप्लाई करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये जो है बेसिकली जो हमने जो फेसियल पैक जो हमने तैयार किया है, ये फेसियल पैक जो है आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लोइंग फेयरनेस लुकिंग गॉर्जियस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। आपके चेहरे को जो है बिल्कुल फ्रेश करता है और आपके लुक को बिल्कुल ग्लोइंग बनाता है, आपकी फेस में बहुत ही निखार लाता है। इसमें आपको नेक और गर्दन दोनों नेक और फेस दोनों को आपको कवर करना है, और कवर करते हुए क्योंकि अप्लाई करके, क्योंकि अगर आप फेस पे अप्लाई कर लेते हैं और नेक पे कवर नहीं करते तो आपका जो फेस ग्लोइंग दिखेगा और काफ़ी निखरा हुआ दिखेगा, लेकिन जो गर्दन है बिल्कुल काला दिखेगा। आपको इस तरह से अप्लाई करना है, आपको मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। कुछ इस तरह से आपको इसे बैक को अप्लाई करना है, अप्लाई कर दीजिए लगभग 15 मिनट तक। 15 मिनट अप्लाई करने के बाद जो है आप इसे ठंडे पानी से, यानी टैप वाटर से जो है आप इसे वॉश कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है। कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये आपका होममेड और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 आइटम से ये तैयार हो रहा है आपका जो फेस पैक आप देख रहे हैं, फेसियल पैक जो है ये आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और रिफ्रेश करता है, और आपकी स्किन को जो है बिल्कुल सुंदर बनाता है, लुकिंग गॉर्जियस बनाता है, और हमेशा स्किन को फ्रेश कर सकते हैं। इसे वीक में कम से कम आप 4 बार यूज कर सकते हैं, हफ्ते में कम से कम 4 बार यूज कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका स्किन ड्राई है, ऑयली नहीं है, ड्राई है, तो आप इसमें दही 2 चम्मच ऐड कर लीजिए। अगर आपका स्किन ड्राई नहीं है, पिंपल्स एक्ने अगर रेसेस आ रहे हैं आपकी स्किन पे, आपके फेस पे, तो आपको क्या करना है, इसमें नीम पाउडर 1 चम्मच ऐड कर लेना है। तो इन तीनों चीज़ के अलावा आपको ये 2 चीज़ ऐड करना है, अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये 3 चीज़ अदर फेस के लिए बिल्कुल कंफर्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है
बहुत कम लोग ही ने इस रेसिपी को आपको बताया होंगे, लेकिन 110% वर्क करता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। और इसे 15 मिनट जब वॉश करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन और निखरा हुआ चेहरा आपको मिलेगा। नेक और क्या बोलते हैं फेस को, दोनों को कवर कीजिएगा इस फेसियल से। और ये फेसियल आसानी से अपने घर पे बना सकते हो, ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। बस आपको ग्रीन टी बैग्स चाहिए, व्हाइट क्ले चाहिए और एलोवेरा जेल चाहिए। बाकी अगर आपके फेस ड्राई है या एक्ने पिंपल्स आ रहे हैं तो नीम और या दही ऐड करना होता है। तो भैया दोस्तों, तो हमारा रेसिपी काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप रेसिपी आपको अच्छा लगा तो हर वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और सोशल मीडिया पर इसे कर दीजिए शेयर ताकि दूसरों की मदद हो सके। वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए ताकि बाद में आप देख सकें, और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहता हूँ अपने चैनल पे आप लोगों के लिए। अगर ऐसे वीडियोस अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन का दबाना भूल जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आता हूँ। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाता है, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाते हो और हर नए रेमेडी से आप अपडेट रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं एक नए रेमेडी के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।